बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद यूके 07 राइडर सिंपैथी पाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हर इंटरव्यू में जाकर अपना दुखड़ा रो रहा है। अब शो में तो कुछ हुआ नहीं तो क्यों ना रो कर ही लोगों की सिंपैथी ली जाए। क्या बोला तूने? मैं जब एक एक कदम करके चलता जा रहा था ना तो सब लोग शेम 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 चिल्ला रहे थे और मैं वो बोर्ड को पकड़ के बस अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था कि क्या ही कर दिया मैंने, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है अनुराग भाई बिग बॉस के घर से नहीं तिहाड़ जेल से 7 साल का कैद काट कर बाहर आए। पता नहीं क्या ही जुल्म कर दिया है बिग बॉस वालों ने। मैंने जब वो स्टेटमेंट दी थी ना कि मैं 2 करोड़ देकर के शो को छोड़ के देना चाहता। जब तुम 2 करोड़ रुपए देकर बिग बॉस के घर से बाहर आने को तैयार थे और जब खुद तुम्हें बिग बॉस ने घर से बाहर कर दिया है तो तुम इतना क्यों रो रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अनुराग भाई इतना बड़ा दुखी आत्मा है, जो भी इसके आस पास रहता है वो भी दुखी हो जाता है। अरे भाई कितना रोएगा, अब बस भी कर जा। साला रिपोर्टर को भी इमोशनल कर दिया। अरे दे दिया हमने तुझे सिंपैथी, अब मत रो, बस खुश रह तू। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इस बारी का बिग बॉस सीजन 17 बायस था। जिस तरह तुझे बिग बॉस के घर से बाहर निकाला गया है ठीक उसी तरह 3 महीने पहले घर वालों की आपसी सहमति से पुनीत सुपर स्टार को भी घर से बाहर निकाला गया था। उस समय तो तुझे बिग बॉस बायस नहीं लगा, जब अपने पे बात आई तो बिग बॉस बायस है। अनुराग पर ये कहावत ठीक बैठती है, एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, जिसका मतलब है दिखावटी रोना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बहुत कुछ आया, बट द बेस्ट थिंग इज यू नो झुक के नहीं आया किसी के सामने भाई। अच्छा अनुराग भाई को कोई झुका नहीं सकता तो ये क्या है? ईशा सॉरी, मैं आज के बाद आपको ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा। ईशा सॉरी, मैं आपको आज के बाद ये चीज नहीं बोलूंगा। मेरे से उठक बैठक करवाई गई, मुझसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया। अबे बिग बॉस जो तुझे बोल रहे हैं वो सब चीजें तू कर ही रहा है, तुझसे उठक बैठक करवा रहे हैं, तब इसको झुकना नहीं तो क्या सिर उठाना बोलते हैं? भाई को बिग बॉस से बहुत प्रॉब्लम है और व्यूज भी बिग बॉस के नाम पे ही चाहिए। फाइनली घर पहुंच ही गया बिग बॉस 17 के इविक्शन के बाद। बिग बॉस 17 एंड सलमान खान एक्सपोज। फाइनली बिग बॉस ने मुंबई वापस बुला ही लिया। फाइनली मेरी बिग बॉस 17 में री एंट्री हो गई। बिग बॉस 17 के डिस्ट्रैक्ट म्यूजिक वीडियो शूट पर जाते हुए पुलिस। फाइनली अपनी न्यू म्यूजिक वीडियो का शूट हो गया बिग बॉस 17। वाह बेटा, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सारा। प्लीज, मैंने हाथ पैर भी जोड़ लिए थे। मेरे को मैं बोलता ना, अगर मेरे को वो चड्डी में आने के लिए भी बोलते ना, मैं वो भी कर देता, क्योंकि मुझे तू चड्डी में नाचे या ना नाचे, लेकिन अभी तुझे बिग बॉस वालों ने एक मैसेज किया कि तुम्हारी बिग बॉस में री एंट्री हो रही है तो तू उसी चड्डी में भागता हुआ चला जाएगा। क्योंकि मैं एक बहुत कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। अच्छा तो तुम मिडिल क्लास हो तो ये क्या है? आपके पास कितनी बाइक है? 11 बाइक सर, 5 गाड़ियां। मैंने KTM से शुरू करा था, उसके बाद आपने जो भी सुपर बाइक किसी भी पिक्चर में देखी होगी ना, मेन सेगमेंट की सुपर बाइक्स हमारे पास है। वी हैव KTM, वी हैव BMW, हायाबूसा, यू नो ZX10R, कावासाकी, डुकाटी, पेनिगाले V4S। अबे जितनी तूने यहाँ अपनी गाड़ियों के बारे में बताया है उनका ही कुल कीमत 2 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। अगर 2 करोड़ मेरे पास होते ना तो मैं YouTube पे वीडियो ना बनाता, उनका इंटरेस्ट खा के ही मेरा गुजारा हो जाता। सीधी सी बात है यार, तुम चूती हो या हमको बना रहे हो भाई? सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चूतिया से याद आया, कुछ ऐसे भी मंद बुद्धि हैं जो बिना सिर पैर की बात करते हैं। और भाई सेकंड रीजन ये कि अनुराग भाई अकेले ऐसे बंदे थे जो हिंदू कम्युनिटी को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसका फल तुम्हें पता है क्लियरली उनको मिल गया। हाँ, शो में तो और कोई हिंदू था ही नहीं। अंकिता लोखंडे, विकी जैन, ईसा मालविया, अभिषेक कुमार, नील भट्ट, ये सब तो मंगोलियन थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। यही होता है जब घुटनों में दिमाग रखने वाले ज्ञान की बातें करने लगते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात कर दो। तुम जाओ यार, जाके LBC की चमचागिरी करो। तुम क्या यहाँ वीडियो बना रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अंकिता लोखंडे हमारे अनुराग भाई के एलिमिनेट होने के बाद इतना स्माइल कर रहे थे, इतना हंसी मजाक उड़ा रहे। तो अब तुम क्या चाहते हो? अंकिता रोवे, अपनी चूड़ियां तोड़ ले, व्हाइट साड़ी पहन ले? अबे अनुराग बाप तुम्हारा है, अंकिता का नहीं, तो तुम रो। सीधी सी बात है अनुराग भाई, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे मन में हमेशा से था कि मैं शो में कुछ करूं या ना करूं, मेरी ब्रो सेना मुझे वोट करेगी और मुझे ही जिताएगी, और यही घमंड तुम्हें ले डूबा।